दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Uber Eats के बारे में। Uber Eats बेसिकली एक फूड डिलीवर ऐप है जिसके थ्रू आप फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ तीन चीजों के बारे में। जो फर्स्ट है, आप इसमें फूड ऑनलाइन ऑर्डर कैसे कर सकते हो। सेकेंड, आपको एज अ कस्टमर क्या बेनिफिट्स मिलेगा और इस ऐप की क्या लिमिटेशंस है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है Uber Eats। तो इसके लिए हमें जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पे आपको टाइप करना है Uber Eats और ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको, मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप ये ऐप इंस्टॉल करोगे, इसमें मोबाइल नंबर आपका ऐड करने के लिए पूछेगा और उसके बाद डिलीवरी एड्रेस पूछेगा। तो ये दोनों चीज आपको ऐड करने हैं और जैसे ही आप ये चीज ऐड करते हो, आप होम पेज पे लैंड करते हो Uber Eats के। और यहां पे आप देख सकते हो कि पूरे रेस्टोरेंट की लिस्टिंग है और काफी कुछ डिटेल भी मेंशन है। तो यहां पे मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, अमर जूस एंड रेस्टोरेंट। यहां पे पाव भाजी फेस्टिवल दिख रहा है यहां पे, तो वो मैं ऑर्डर करूंगा। तो यहां पे तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पाव भाजी सेलेक्ट करता हूँ। पाव भाजी में यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन पूछते हैं कि भाई एक्स्ट्रा पाव चाहिए, ये एक्स्ट्रा पाव एक चाहिए, दो चाहिए, या जितना भी चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और बाद में यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू बास्केट पे और बाद में आपको चेकआउट करना है। चेकआउट जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आपका डिलीवरी एड्रेस और आपका ऑर्डर डिटेल्स आ जाते हैं और आपको सिंपली क्लिक करना है प्लेस ऑर्डर पे, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा कंप्लीट। और जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, रेस्टोरेंट को कंफर्मेशन जाता है और आपका जो Uber Eats का डिलीवरी बॉय है वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है, आपका ऑर्डर पिकअप करता है। और जैसे ही पिकअप करता है तो आप इमीडिएटली आप यहां से ट्रैकिंग ऑन कर सकते हो और उसको एवरी मिनट आप उस डिलीवरी बॉय को ट्रैक भी करते रहोगे आपके घर में बैठे बैठे। सो ये इस ऐप का बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे आपका ऑर्डर होता है कंप्लीट, आपको डिलीवर हो जाएगा आपने जो एड्रेस डाला हो उस एड्रेस पे Uber Eats के डिलीवरी बॉय के थ्रू। और अब बात कर लेते हैं कुछ इस ऐप के एडिशनल डिटेल्स के बारे में। मतलब यहाँ पे आप रेस्टोरेंट की सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए पास्ट ऑर्डर के और अपकमिंग जो ऑर्डर आपने दिया हुआ है यहाँ पे उसकी लिस्टिंग रहेगी, भाई ऑर्डर आपने दिया हुआ है और इस ऑन द वे है। और जो लास्ट है यहाँ पे आपके प्रोफाइल डिटेल्स के बारे में। इस ऐप के कुछ और डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अमर जूस एंड सेंटर जो नाम लिखा हुआ है रेस्टोरेंट के नीचे, वहाँ पे उसकी फूड की कैटेगरी भी दी हुई है कि क्या क्या टाइप्स के इस रेस्टोरेंट में फूड अवेलेबल है। तो जैसे इस कैटेगरी है स्ट्रीट फूड, साउथ इंडियन, और जो 25 टू 30 मिनट लिखा हुआ है वो है उसकी डिलीवरी टाइम। मतलब आप इस रेस्टोरेंट से जब भी ऑर्डर करोगे आपको 25 मिनट से 35 मिनट तक आपको वेटिंग मिलेगा, उसके अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। और 4.2 जो है उस रेस्टोरेंट की रेटिंग है। और नीचे अगर आप और डिटेल में देखोगे तो पाव भाजी फेस्टिवल ये लिखा हो, मतलब कुछ अगर उस रेस्टोरेंट में पर्टिकुलर कुछ ऑफर चल रहा होता है तो वहाँ पे मेंशन होता है। सो ये इस ऐप में बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एज अ कस्टमर आपका क्या फायदा है अगर इस ऐप को आप इंस्टॉल करोगे, फूड ऑर्डर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कस्टमर का क्या फायदा है, तुम्हारा क्या भेटना। सबसे पहला ऑफर जो मेरे पास है, जो मुझे पता है कि आप एज अ न्यू यूजर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, कुछ 150 रुपए का डिस्काउंट मिलता है आपके फर्स्ट टू ऑर्डर्स पे। तो एक इसका ये अच्छा एडवांटेज है, या बोलते तो ये अच्छा ऑफर है इस ऐप का। और दूसरा ऑफर ये है कि इसके ऐप पे होम पेज पे ही लिखा हुआ है कि फ्लैट 50% ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ऑफर्स के थ्रू भी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा सिलेक्टेड रेस्टोरेंट पे जो यहाँ इस ऐप में लिस्टिंग दिख रही है। तो ये दो ऑफर्स इस ऐप के थ्रू आपको मिलेगा। और Uber Eats के नए नए प्रोमो कोड्स आते रहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करो Uber Eats के प्रोमो कोड क्या है। और दोस्तों ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है, तो एंड्रॉइड वाले भी खुश एंड iOS वाले भी खुश, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं Uber Eats के कुछ लिमिटेशंस के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो मैंने फेस किए रिसेंटली। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसका कि जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, इस समय
जब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है आपके पास, तो इसमें अगर आपका ऑर्डर 700 रुपए से ऊपर जाता है और आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 700 रुपए के ऊपर जाने के बाद उबर इट्स बोलता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, हम आपको कैश ऑन डिलीवरी 700 रुपए तक ही दे सकते हैं। अगर 700 रुपए से ऊपर जाता है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये पेमेंट मेथड है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। दूसरा लिमिटेशन भी इससे कनेक्टेड ही है। तो दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेटीएम अकाउंट लिंक करते हो, उसके बाद इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उबर ईट्स के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि दे ऑलवेज रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन एक्टिव पेमेंट मेथड। इसका मतलब होता है कि आपको एक एक्टिव पेमेंट मेथड रखना ही पड़ेगा उसके ऐप में। तो आप क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स रखो एक्टिव, डेबिट कार्ड का रखो या पेटीएम का रखो, एक बार ऐड करने के बाद वो डिलीट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप ऐड कर रहे हो तो उसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन करने के लिए आपको एक रेड कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए इस फैमिली को, और इंजॉय कीजिए हमारे साथ इस सारे वीडियोज को। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं सारी डिटेल्स डाल देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से होने, अपडेट कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, सारी अपडेट्स इंस्टा पे आते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।